अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुछ भी व्लॉग। मैं हूं नताशा वकास और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं इंग्लॉट का जो आउटलेट है इस्लामाबाद सेंटोरस मॉल में, उसके कुछ शूट स्वाचेस और उसकी जो मोस्ट 10 जो फेवरेट और डिमांडिंग प्रोडक्ट्स हैं उनका बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन उन सब्सक्राइबर के लिए जो कि फॉरेनर्स हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और जिनकी कंप्लेंट मुझसे होती है कि आप वो प्रोडक्ट बताती हैं जो पाकिस्तान में मिलते हैं, हम लोगों को यहाँ से वो प्रोडक्ट ईज़िली नहीं मिलते, तो ऐसे प्रोडक्ट्स बताएं जो हमें यहाँ से भी ईज़िली मिल जाएँ। तो ये प्रोडक्ट जो है आपको ईज़िली भी मिल जाएगा और इसके प्राइजेस भी जो हैं वो काफ़ी इकोनॉमिकल हैं और ये ब्रांडेड भी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, दीज आर इंग्लॉट फ्रीडम सिस्टम HD हाईलाइटर और ये आप इनको एज अ ब्लशर और एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ हाईलाइटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर शेड्स अवेलेबल हैं, उनके स्वाचेज़ मैं यहाँ चला देती हूँ, आप चेक कर लें। ये जो हाइलाइटर हैं ये प्रेस्ड फॉर्म में अवेलेबल। नेक्स्ट जो है वो है इसका लिक्विड इल्यूमिनेटर, दिस इज़ फेस एंड बॉडी इल्यूमिनेटर। और इल्यूमिनेटर आपको पता है कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है और इल्यूमिनेटर जो है वो आप बेस के अंदर मिक्स करके भी लगा सकते हैं, बेस के ऊपर भी लगा सकते हैं और बेस के बाद भी लगा सकते हैं चीक बोन्स को और जो भी पॉइंटेड पॉइंट्स होते हैं फेस के और बॉडी के उनको हाईलाइट करने के लिए। और ये हैं इसके स्वाचेज। इंग्लॉट का जो फ्रीडम सिस्टम है वो इस वजह से भी बहुत यूनिक है कि आप इसके अंदर अपना ख़ुद का पैलेट जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं वो शेड जो कि आपके चाहिए आपको चाहिए हों। तो इसके अंदर इसके मोनो ब्लशर्स हैं, आई शेड्स हैं इसके अंदर स्कल्पटिंग पाउडर, ब्रॉन्जर, हाईलाइटर, लिपस्टिक, कंसीलर और फ्रेग्रेंसेज भी मौजूद हैं जो कि आप अपना खुद का पैलेट ईजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो जो आपको रिक्वायर्ड हो शेड अकॉर्डिंग टू योर नीड, योर स्किन टोन। यू हैव मैनी पैलेट साइजेस टू चूज़ फ्रॉम। ये रीयूजेबल हैं और इको फ्रेंडली हैं। ये इसके ब्रशेज हैं, ये इसका ब्यूटी ब्लेंडर है। इंग्लॉट के मल्टी एक्शन टोनर हैं जो कि ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए हैं और ये स्किन के पोर्स वगैरह को श्रिंक करते हैं। इसके अंदर की इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि स्किन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और ये भी बहुत पॉपुलर हैं। ये इंग्लॉट के HD फाउंडेशन है और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं और ड्राई स्किन के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही ड्यूवी और स्मूथ फिनिश देते हैं ये। सिर्फ आपने करना ये है कि इससे पहले थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र और बिल्कुल थोड़ा सा प्राइमर लगाना है और बस ऑल सेट। दीज आर AMC प्योर पिगमेंट आई शेडो एंड बॉडी पिगमेंट कलेक्शन। इसके अंदर 50 शेड्स अवेलेबल हैं, बहुत ही वाइब्रेंट कलर है और रिच पिगमेंटेड कलर है, क्रीजिंग नहीं होती इनकी, स्मज नहीं होते ये और फॉल आउट नहीं है इनका। आप इनको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और इनको आप ड्यूरा लाइन के अंदर मिक्स करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं, आईज़ लिपस्टिक्स वगैरह पर भी यूज़ कर सकते हैं। पर जो इसके फ्लेकी शेड्स हैं वो थोड़े से केयरफुली यूज़ करें क्योंकि वो आईज़ पर मैसी हो जाते हैं। ये इसके AMC जेल क्रीम लाइनर है और ये क्लेम करते हैं कि ये स्मज प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है और क्रीज नहीं होते। इनका जो जेल लाइनर है उसके बारे में मिक्स रिव्यूज़ हैं, कुछ कहते हैं अच्छे हैं और कुछ कहते हैं नहीं हैं अच्छे। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा शेड्स अवेलेबल हैं। ये आईब्रो फिलिंग के लिए शेड्स हैं, पाउडर फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में, जेल फॉर्म में, ब्रशेज में भी अवेलेबल हैं और आईब्रो डिफाइनर भी अवेलेबल हैं इंग्लॉट के आउटलेट पर, आपको ईजिली मिल जाएंगे। इसके अंदर 12 शेड्स अवेलेबल हैं, आप अकॉर्डिंग टू योर हेयर कलर आप अपना शेड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इसके लिप ग्लॉस हैं, ये इसके डायमंड लिप टिंट हैं। इसके लिप टिंट जो हैं वो डायमंड हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा शाइनी भी हैं ये। और दूसरा ये कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है लेकिन द क्लेम के जब आप इनको अप्लाई करते हैं तो कुछ अर्से थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद ये स्टेबल होते जाते हैं और मेट फॉर्म में आते जाते हैं। बाकी ये इनके लिपस्टिक की रेंज है, इसके अंदर प्रेस ग्लिटर्स भी रखे हुए हैं, ये सारे स्वाचेज हैं। फर्स्ट रैक में जो रखे हुए हैं वो डायमंड लिप ग्लोज हैं जो कि पार्टी मेकअप और ब्राइडल मेकअप में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं लिपस्टिक के ऊपर शाइन लाने के लिए, और ये भी फैलते नहीं हैं, वरना जो लोकली मार्केट में डायमंड लिप ग्लोज अवेलेबल होते हैं वो फैल जाते हैं, लिपस्टिक ख़राब हो जाती है। ये इनकी नेल पॉलिश की रेंज है, इनकी नेल पेंट में भी बहुत ज़्यादा कलर्स और रेंज अवेलेबल है क्यूटिकल्स में। और जो इनके थर्ड रो में जो क्यूटिकल्स रखी हुई हैं दे क्लेम दैट ये जो क्यूटिकल्स हैं ये
ये ब्रेथेबल हैं और इनको लगा के आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। ब्रेथेबल नेल पेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं इस्लामिक कंट्रीज़ में, क्योंकि इनका ये होता है कि आप इनको लगा के नमाज पढ़ सकते हैं और पानी जो है वो नेल के अंदर चला जाता है पेंट से पास होकर, बट आई एम नॉट श्योर कि आप पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। ये इसके प्रेस्ड पाउडर हैं और जिसकी बैक साइड पर रखे हुए हैं वो उसके HD पाउडर हैं, वो भी फाउंडेशन के ऊपर, हाइलाइटर और ब्राउन्ज़र वगैरह, इसके स्क्लप्टिंग पाउडर हैं और इसके अंदर इसके प्रेस्ड मूज पाउडर, लूज पाउडर, इस तरह की इसकी पूरी रेंज है इसके अंदर अवेलेबल है। और इसके बारे में बहुत अच्छे मैंने रिव्यूज़ देखे हैं यूट्यूबर्स के, फॉरेनर्स जो यूट्यूबर्स हैं उनके भी, कि ये बहुत अच्छे हैं। ये इसके क्रीम शेड्स हैं जो कि आई शेड्स के लिए भी यूज़ होते हैं, एज अ ब्लशर भी यूज़ होते हैं और लिपस्टिक में भी यूज़ होते हैं। ये अगेन इसका फ्रीडम पैलेट है कि आप अपनी मर्ज़ी के शेड्स लेकर ब्लशर में से, आई शेडो में से या फिर लिपस्टिक में से अपनी मर्ज़ी का आप पैलेट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का इनग्लोट का हॉल, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, अब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।